राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे एक बिन माँ के बच्चे की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। एक गांव में मुरली अपने 5 साल के बेटे और पत्नी के साथ रहता था। मुरली एक किसान था जिसकी गांव में अच्छी खासी जमीन थी, लेकिन वह अपनी सिर्फ उतनी ही जमीन पर बुआई करता था जितनी उसके लिए जरूरत होती थी। बाकी की जमीन वह ठेके पर दे देता था बुआई के लिए, और उससे जितनी कमाई होती थी वह उसके लिए भरपूर होती थी। मुरली का एक बेटा ही था जो अभी छोटा था, उसका नाम सोहन था। मुरली की पत्नी का नाम कविता था, वह बहुत ही सुंदर और सुशील थी। घर से बाहर तो वह कभी कदम ही नहीं रखती थी, बस घर का चूल्हा चौकाई उसकी जिंदगी थी। बच्चे को और पति को वह बहुत अच्छे से संभाल रही थी, लेकिन अचानक उसे थकावट महसूस होने लगी। शरीर ने उसके काम करना बंद कर दिया था, अब उसे बिस्तर से उठा भी नहीं जाता था। मुरली उसे शहर के एक अस्पताल में लेकर गया और वहाँ अपनी पत्नी का चेकअप करवाया। डॉक्टर ने मुरली को बताया कि उसकी पत्नी को एक गंभीर बीमारी है जिसका इलाज असंभव है। यह सुनकर मुरली के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वह अपने छोटे से बच्चे को साथ में लेकर अपनी पत्नी के साथ अस्पताल में ही रहता था। पैसे की कमी तो नहीं थी, लेकिन क्या करे, बीमारी तो पैसे की मोहताज नहीं होती। काश पैसों से कोई जिंदगी भी खरीद पाता तो किसी का परिवार नहीं उजड़ता, किसी बच्चे से उसकी माँ नहीं छिनती। कविता के लिए अब बात तक करना बहुत मुश्किल होता जा रहा था। वह बस बिस्तर पर अस्पताल में लेटी रहती और उसकी आंखों से आंसू बहते रहते थे। वह बड़े ही उदास मन से अपने बेटे सोहन और अपने पति मुरली की तरफ देखती थी और सोचती थी, मेरे बाद इनका क्या होगा। आज मंगलवार का दिन था और कविता को सांस लेने में भी काफ़ी दिक्कत हो रही थी। डॉक्टर ने कविता को ऑक्सीजन लगा दी। वह जान चुकी थी कि अब उसका अंतिम समय नज़दीक आ गया है। वह मुरली को इशारे से अपने पास बैठने को कहती है और अटक अटक कर बोलते हुए कहती है कि सुनो जी, तुम दोनों का क्या होगा, यही चिंता मुझे सता रही है। हो सके तो तुम मेरे बाद शादी कर लेना किसी ऐसी लड़की से जो मेरे बच्चे को भी संभाल पाए और तुम्हारी भी देखभाल अच्छे से करे। मेरे मन की बस यही इच्छा है, मरने के बाद मुझे शांति मिल जाएगी। कविता की यह बात सुनकर मुरली फूट फूट कर रोने लगता है। अचानक कविता की सांसें तेज से चलने लगती हैं। वह डॉक्टर डॉक्टर मुरली चिल्लाता है और डॉक्टर मुरली की आवाज़ सुनकर तुरंत वहाँ आ जाते हैं और फटाफट जो कविता को देखने की कोशिश करते हैं, उसका चेकअप करते हैं। कविता की आंखें अपने बच्चे सोहन की तरफ देख रही थी जो कि अपने पिता की गोद में सुबक रहा था। मुरली सोहन को गोद में लिए हुए दरवाजे के बाहर खड़ा था क्योंकि डॉक्टर ने उसे अंदर आने के लिए मना कर दिया था। कविता की आंखें अभी भी सोहन की तरफ लगी हुई थी। इसी तरह डॉक्टर भी अपने हाथ झाड़ लेते हैं क्योंकि कविता की सांसें थम चुकी थीं, लेकिन अभी भी आंखें बस सोहन की तरफ थीं। उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। डॉक्टर अपने हाथ से उसकी आंखों को बंद कर देते हैं। उधर मुरली यह सब देखकर अपना रोना नहीं रोक पाता। वह अपने बच्चे को सीने से लगाकर रोने लगता है। डॉक्टर उसे कमरे से बाहर ले आते हैं और मुरली के कंधे पर हाथ रखकर कहते हैं, धीरज रखो मुरली, तुम्हें अपने बच्चे के बारे में भी सोचना है। डॉक्टर के कमरे से बाहर जाते ही वह कमरे के अंदर जाता है और कविता के चेहरे पर हाथ लगाकर उसे महसूस करता है और उसकी आँखों से आंसू नहीं रुक पाते। सोहन भी बेचारा चीख चीख कर रोने लगता है। अस्पताल से एक एम्बुलेंस का इंतजाम किया जाता है और मुरली को कविता की मृतदेह को उसमें ले जाने के लिए कहा जाता है। मुरली बेचारा अपनी पत्नी कविता की लाश को अपने गांव ले जाने के लिए रवाना हो जाता है। एम्बुलेंस को अपने गांव में आता देखकर गांव के सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं। जैसे ही मुरली सोहन के साथ जो नीचे उतरता है तो सभी लोग समझ जाते हैं कि कविता मर चुकी है। इसलिए जैसे ही कविता की लाश को नीचे उतारा जाता है तो गांव वाले भी मुरली की मदद करवाते हैं। पूरे गांव में
शोक की लहर दौड़ जाती है। सभी लोग सोहन के बारे में बातें करते हैं। बेचारा सोहन अपनी माँ के बिना कैसे रहेगा। इतनी छोटी सी उम्र में बेचारे को क्या क्या दुख झेलना पड़ रहा है। कुछ लोग तो मुरली के बारे में भी बात कर रहे थे। मुरली ने कितनी कोशिश की कविता को बचाने की, लेकिन बेचारे की सारी मेहनत बर्बाद हो गई। इतना सारा पैसा भी लग गया, फिर भी पत्नी को नहीं बचा पाया। भला होने को कौन टाल सकता है। मुरली और सोहन की किस्मत में जो लिखा था वही तो हुआ। मुरली के घर के आंगन में एक तरफ औरतें घूंघट करके बैठी हुई शोक मना रही थीं, दूसरी तरफ बड़े बुजुर्ग आदमी बैठे हुए थे जो आपस में सोहन और मुरली की बातें कर रहे थे। औरतें भी आपस में बातचीत करते हुए कह रही थीं, बेचारी कविता कभी अपने घर से बाहर भी उसने कदम नहीं रखा। कितनी शरीफ औरत थी, बस अपने पति और बच्चे की सेवा में लगी रहती थी। पता नहीं क्या हो गया, अच्छे लोगों के साथ ही हमेशा बुरा क्यों होता आया है। कुछ औरतें तो सोहन को अपने पास बिठा के रखा था, उसे चुप करवा रही थीं, कुछ उसे खाना खिला रही थीं, लेकिन सोहन का मन नहीं कर रहा था। वह बस इधर उधर ताक रहा था कि गांव वाले क्या कर रहे हैं। इतना तो वो समझ गया था कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। सामने बरामदे में पड़ी उसकी माँ की लाश को उसके ऊपर लाल रंग का कफन दिया हुआ था। पास में ही दो उपले जलाए हुए थे। रिवाज के मुताबिक लाश के पास आग को जलाकर बुझाया जाता है ताकि धुआं उठता रहे। सोहन बस उसी को देख रहा था। थोड़ी देर में पता नहीं क्या हुआ, सोहन उन औरतों से अपना हाथ छुड़ाकर अपनी माँ के पास बैठ गया। और जैसे ही वह अपनी माँ के ऊपर से कपड़ा हटाने लगा तो मुरली ने उसे रोक दिया। सोहन अपने पिता से कहता है, पिताजी माँ कहाँ चली गई, क्या वह कभी वापस नहीं आएगी। सोहन को सुबकते देखते हुए इस अनजान सी बात को उसके मुँह से सुनकर मुरली भी रोने लग गया। लेकिन वह आदमी है, ज़्यादा रोएगा तो गांव वाले उसे कहेंगे तुम मर्द है, तू रो नहीं सकता। पर सोचने वाली बात है, क्या आदमी होना पाप है? क्या आदमी को दर्द नहीं होता? क्या उसके अंदर भावनाएं नहीं होती? क्यों आदमी ही अपनी भावनाओं को दबाकर रखे और अपना दर्द दूसरों के सामने जो बयान ना कर पाए। आदमी भी तो अंदर से टूट जाता है, उसे भी रोना आता है। अकेला होने पर उसे तो और भी चिंता होती है। मुरली के घर का माहौल बड़ा ही दयनीय हो रहा था। कुछ बुजुर्ग उसे उठाकर अपने पास ही अर्थी बनाने वाली लकड़ियां, धागा और बाकी का जो सामान था उसे लेकर आ गए। तो उनको आता देकर कुछ बुजुर्ग औरतें उनके साथ कुछ और जो शरीर से हट्टी खट्टी औरतें थी उठी और कविता की लाश को नहलाने लगी। शादीशुदा औरतों को सुहाग का सारा सामान भी मंगवा लिया गया था। कविता को नहलाने के बाद एक नई दुल्हन की तरह उसका सारा श्रृंगार किया गया। एक नया कच्ची सिलाई का सूट जो कि लाल रंग का था उसे पहनाया गया। सच में जब उसे सूट पहनाया गया, उसका श्रृंगार किया गया तो ऐसे लग रहा था मानो वो कोई नई नवेली दुल्हन सो रही हो। उसका चेहरा देखकर कुछ औरतें रो पड़ी। जब उसे पूरी तरह से तैयार कर दिया गया तो कुछ बुजुर्ग औरतों ने मुरली को रोते हुए बुलाया और कहा, अरे मुरली बेटा आज आखिरी बार अपनी पत्नी को देख ले। मुरली सोहन को गोद में लेकर उन औरतों के पास आया और सामने जैसे ही कविता को नई नवेली दुल्हन के रूप में देखा तो वह चीख चीख कर रो पड़ा। औरतें भी अपने आंसू नहीं रोक पाई, वो भी रोने लगी। कुछ बुजुर्ग औरतें जो मुरली को चुप करवाती हैं और एक औरत मुरली की गोद से सोहन को ले लेती है। सोहन को अलग एक कमरे में ले जाकर जो उसे चुप कराने की कोशिश करते हैं। कविता के मायके से उसके भैया भाभी के सिवाय कोई नहीं था, इसलिए वो भी आए हुए थे। भाभी दिखावे के लिए रो रही थी कि कहीं दुनिया वाले ये ना कह दें कि ननंद मरने का कोई दुख नहीं है। पर कविता का भाई सच में बहुत रोया। इकलौती बहन थी उसकी, माँ बाप के मरने के बाद कविता की परवरिश उसी ने की थी। छोटी थी तो दुलार भी बहुत किया था। अब उसकी मृतदेह को देखने भर की भी हिम्मत उसके भाई की नहीं हो रही थी। अब तक अर्थी भी तैयार हो चुकी थी, जैसे किसी दुल्हन की डोली हो वैसे ही अर्थी को सजाया गया था। बस कुछ ही देर में अर्थी पर कविता को लेटा दिया जाता है। अब एक एक करके लोग आते हैं और उसके ऊपर अपनी तरफ से एक एक कफन चढ़ाते हैं। मुरली बहुत ही उदास आंखों से बस अपनी पत्नी कविता की मृतदेह को देखता रहता है। जाने कितनी बातें मुरली के दिल में चल रही थी, कैसे वह अपनी पत्नी के बिना रहेगा,
इसके साथ एक एक दिल का दुख दर्द बांटा था, जिसे अपनी हर खुशी सबसे पहले आकर बताता था। अब कौन उसका साथी होगा जो उसके दुख सुख को अपना बताएगा, कौन उसे दिलासा देगा, कौन उसे तसल्ली देगा। बेचारा सोहन तो यही सोच रहा था कि पता नहीं घर में क्या हो रहा है, इसकी माँ इस तरह कपड़ों में लपेटकर क्यों लेटाई गई है। वह जानता तो है कि उसकी माँ मर गई है, लेकिन फिर भी उसे यकीन नहीं आता। बस घर में चल रहे इन रस्मों रिवाजों के बीच वह समझ नहीं पाता कि उसकी माँ जिंदा है या मर गई, और अगर जिंदा है तो वह इस तरह से कपड़ों के बीच में लपेटकर उसे छोटी सी लकड़ी से बनाई गई मंजी के ऊपर क्यों लेटाया गया है। अगर मर गई है तो फिर मैं क्या करूँ, मेरा क्या होगा। वह बेचारा बस रोता रहता है, क्योंकि सबको रोता देखकर उसे भी रोना आ जाता है। वह जोर जोर से रोता है, जैसे ही अपने पिता मुरली को रोता हुआ देखता है तब उसका चीखना चिल्लाना और ज़्यादा हो जाता है। गांव की एक बात तो खास होती है कि दुख की घड़ी में एक दूसरे का साथ एक साथ मिलकर देते हैं। सब गांव वाले अपने बच्चों को घर पर छोड़कर अपने मुरली के घर पर सब जमा हो गए थे। कुछ ही देर में कविता के पैरों के पास कुछ सुहागिन औरतें आती हैं और उसके पैरों के पास कुछ रुपए और मुट्ठी भर अनाज चढ़ाती हैं और हाथ जोड़कर बिना मुड़े वापस दो कदम रखकर उलटकर चली जाती हैं। एक बुजुर्ग आदमी कहता है, बस अब जल्दी सूरज ढलने से पहले अंतिम संस्कार कर दिया जाए तो सबके लिए सही होगा। उस बूढ़े की आवाज़ थोड़ी ऊंची आवाज़ में कहता है, जो अर्थी को कंधा देंगे जल्दी अर्थी को हाथ लगाओ। तभी चार जवान लोग आते हैं और अर्थी को हाथ लगाते हैं। मुरली अर्थी को कंधा नहीं दे पाता, क्योंकि उसे कविता की चिता को मुखाग्नि देनी होती है। रिवाज के मुताबिक जो मुखाग्नि देता है वह अर्थी को कंधा नहीं दे सकता। अब जैसे ही कविता की अर्थी को उठाया जाता है, औरतों का रोना और चीखना चिल्लाना जोर जोर से होने लगता है। अब अर्थी आगे और लोग पीछे पीछे चलने लगते हैं। आरती के पीछे पीछे सभी आदमी हो लेते हैं। पीछे कुछ औरतें कविता के सारे कपड़े और जितना भी सामान वो खुद के लिए इस्तेमाल करती थी सब एक कपड़े में बांधकर एक आदमी के हाथों में पकड़ा दिया जाता है, ताकि उस सामान को भी कविता के साथ जला दिया जाए। कविता की भाभी औरतों के साथ हाथ में एक मिट्टी का छोटा सा बर्तन, जिसमें मुट्ठी भर अनाज और आटे के चार पेड़े होते हैं, लेकर चल रही होती है। उसने अपने मुँह को घूंघट में छिपाया हुआ होता है। जैसे शमशान घाट का गेट आता है, उससे पहले एक बड़ा सा सीढ़ी के आकार का टीला सा बनाया हुआ होता है। कविता की भाभी उस टीले पर उस बर्तन को छोड़ देती है और जो पेड़े उसके अंदर होते हैं उन पर हाथ लगाकर शमशान घाट के अंदर सभी औरतों के साथ चली जाती है। वैसे तो अधिकतर गांवों में अब महिलाओं को शमशान घाट जाने की अनुमति नहीं होती है, इसलिए वो सिर्फ शमशान गेट के बाहर से थोड़ी दूरी से अपने रिवाज को निपटाकर घर वापस आ जाती हैं। लेकिन कुछ गांवों में अब औरतें शमशान घाट के अंदर चली जाती हैं। वहाँ उनके बैठने की व्यवस्था होती है। व्यवस्था के तौर पर वहाँ खुला खुला और बड़े बड़े दो बरामदे बनाए हुए थे। वहाँ तीन सीढ़ियाँ होती हैं जिन पर औरतें बैठ जाती हैं, कुछ बरामदे के अंदर भी बैठ जाती हैं। उन्हें जहाँ पर चिता को मुखाग्नि दी जाती है वहाँ पर जाने की कतई भी परमिशन नहीं होती है, इसलिए वे सिर्फ बैठकर वहाँ से कौन चिता को मुखाग्नि दे रहा है और क्या क्या हो रहा है बस यही दूर से बैठकर देख सकती हैं। कविता की अंतिम संस्कार में जितनी भी औरतें थीं वह सब भी बरामदे में बैठ गईं और दूर से देखने लग गईं। कुछ औरतें आपस में बातें कर रही थीं, सामने क्या हो रहा है उन्हें इससे कोई मतलब नहीं था। वह बस अपने घर की और आसपास की बातों में लगी हुई थीं। शायद वह गांव की औरतें नहीं थीं, शायद हो सकता वह कविता की तरफ से कोई मेहमान आई हुई हो और अपनी बातों में लगी हुई थीं। उन्हें इस चीज़ से कोई मतलब नहीं था कि क्या हो रहा है। सामने जो मुरली सोहन को अपनी गोद में लिए खड़ा हुआ था और चिता के पास कुछ रीति रिवाज निभाए जा रहे थे। कुछ लोग हर जो मुरली के हाथ में जलती हुई एक मसाल देते हैं। मुरली उसे मसाल से जो सोहन का हाथ लगवाता है और उस मसाल से चिता में आग लगाता है। कविता बेचारी पंच तत्व में विलीन हो जाती है। आग की लपटें कुछ देर में ऊंची ऊंची उठने लगती हैं, क्योंकि एक आदमी उस चिता में घी के कंटेनर गिराता है ताकि चिता की लकड़ियां आग जल्दी पकड़ लें। कविता का भाई बेचारा चिता के पास खड़ा हुआ बहुत रोता है।
कुछ आदमी उसे दिलासा देते हैं। जैसे ही चिता की आग भभकने लगती है, औरतें वहाँ से जाना शुरू कर देती हैं। वे पास में लगे पानी के नल से हाथ पैर धोती हैं और एक पत्ता जो कि नीम का होता है अपने मुंह में दबाकर शमशान घाट से बाहर निकल जाती हैं। आदमी भी थोड़े थोड़े करके कुछ पहले और कुछ बाद में वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। सोहन के गेट के बाहर ही दो बड़े बड़े ड्रम पानी के रखे हुए हैं। औरतें आदमी जो भी शमशान घाट से आ रहा था सबके हाथ पैर धुलवाए जा रहे थे और कुल्ला करवाया जा रहा था और आदमी उसके बाद कुछ अंदर बैठ जाते हैं। सच कहूँ तो बड़े ही अजीब हो गरीब रिवाज होते हैं। एक एक रिवाज में दर्द भरा पड़ा है जो मरे हुए की और ज़्यादा याद दिलाता है। लेकिन फिर भी अजीब बात है, किसी को इस दर्द से गुजरना पड़ता है। हर किसी के जीवन में यह दिन आते हैं क्योंकि हर कोई कभी ना कभी अपनों की मौत में खोता ही है। अब मुरली के घर के पास जहाँ रोटी बनाई जा रही थी, वहाँ तो जो बार बार करके रोटी एक डब्बे में चटनी लेकर कुछ लड़के और कुछ औरतें आ गईं। औरतें वह रोटी औरतों में बांट रही थीं और लड़के आदमियों में रोटी बांट रहे थे। सबको दो दो रोटी दी जा रही थी। हर कोई अपनी रोटी में से एक टुकड़ा अपनी प्लेट में तोड़कर रख रहा था। उसके बाद उन सभी टुकड़ों को इकट्ठा करके अलग रखा जा रहा था ताकि बाद में उसे किसी जानवर को दे दिया जाए। रोटी खाने के बाद लोगों को चाय भी पिलाई गई। सच में किसी के घर में मौत होती है और खाने का इंतजाम ऐसे करना पड़ता है मानो घर में बारात आ रही हो। चाय पीने के बाद कुछ लोग मुरली के घर से चले जाते हैं। कुछ लोग अभी भी वहीं बैठे हुए थे। कविता की भाभी और भाई भी वापस अपने गांव चले जाते हैं। कुछ ही देर में मुरली का घर खाली हो जाता है और गिने चुने लोग ही वहाँ बैठे हुए थे। उसके बाद जैसे ही रात होती है, कुछ औरतें खाना लेकर जो मुरली के घर आती हैं, मुरली और सोहन को खाना देती हैं। लेकिन मुरली के गले से नीचे खाना नहीं उतरता। उसने दोपहर भी खाना नहीं खाया था। इस वजह से औरतें मुरली को कहती हैं, भैया अगर आप खाना नहीं खाओगे तो सोहन भी नहीं खाएगा। अगर आपको कुछ हो गया तो सोहन को कौन संभालेगा? आप सोहन का सोचकर ही कुछ खा लीजिए। तब मुरली की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह उनसे खाना लेता है और पहला निवाला अलग एक प्लेट में रख देता है और दूसरा निवाला अपने बेटे के मुंह में डालता है। तीसरा निवाला वह खुद खाता है और एक औरत मुरली को पानी का गिलास भी पकड़ा देती है। मुरली पानी पीता है और थोड़ा सा ही खाकर वह छोड़ देता है। पता नहीं क्यों आज मुरली के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। थोड़ी देर में जो एक एक करके शायद गांव के चार पांच जो दिनों तक शोक मनाने का रिवाज है और इसलिए गांव के लोग जो धीरे धीरे आना, कोई आता है कोई जाता है, शुरू हो जाते हैं। हर शाम मुरली के घर पर लोग इकट्ठा होते, बातें करते और चले जाते। अब तो शोक के दिन भी धीरे धीरे ख़त्म हो गए थे। अब मुरली के घर पर कोई नहीं आता था। मुरली और सोहन बेचारे अकेले एक दूसरे का सहारा बने रहते थे। समय बीतता जा रहा था लेकिन कविता की यादें अभी भी मुरली के दिल पर राज करती थीं। सोहन के और मुरली की माँ और बाप थे, क्योंकि मुरली ही सोहन की माँ था और उसकी बाप भी। दोनों का प्यार मुरली अपने बेटे सोहन को दे रहा था। वह सोहन के लिए हर तरह से उसका ख्याल रखता था। वह तो अपनी दूसरी शादी करने के बारे में भी नहीं सोच सकता था, लेकिन अपने बेटे की परवरिश करना मुरली के लिए मुश्किल होता जा रहा था, क्योंकि उसे खेत में भी काम करना पड़ता था और पीछे बच्चे को अकेला छोड़कर उसका मन नहीं लगता था। मुरली अपने बेटे के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी दांव पर लगाने के लिए बैठा था। जब भी गांव के बड़े बुजुर्ग उसको कहते थे कि मुरली अब तू शादी कर ले, अकेला क्या क्या संभालेगा, घर पर औरत रहेगी तो तेरे बच्चे की देखभाल हो जाएगी और तुझे गर्मा गर्म खाना भी खाने को मिलेगा। अभी देखना तू खेतों से लौट कर आता है फिर खाना बनाता है, कितना थक जाता है तू, इस तरह से तो तू खुद भी बीमार हो जाएगा। मुरली उन बुजुर्गों की बातों पर ध्यान नहीं देता था। उसे डर था अगर वह दूसरी शादी कर लेगा तो ना जाने सौतेली माँ उसके बेटे के लिए कैसी साबित होगी। वह अपने बेटे के साथ बुरा बर्ताव करे या बाद में मुरली को पछताना पड़े। उसे क्यों लोगों की बातों में
जाकर दूसरा ब्याह नहीं रचाना था। क्यों वो दूसरों की बातें सुने, वो अपने बेटे के लिए सोचता था। आज मुरली खेत से जल्दी घर वापस आ गया। घर पर वह अपने बेटे को खेलते हुए देखा तो मन ही मन मुस्कुराता है। वह लड़का करीब 5 साल का था। उसका नाम सोहन, और सोहन गांव के सबके दिल को भाता था। गांव में ज़्यादा बड़ा तो नहीं था, गांव छोटा ही था, इसलिए किसी के घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हर आस पड़ोस को पता होता था। छोटा सा सोहन खेलते फिरता है और घर पर जाकर आराम से बैठकर अपनी पढ़ाई भी करता है। उसने कभी भी मुरली को किसी तरह से परेशान नहीं किया, ना ही दूसरे बच्चों की तरह कभी कोई मुरली के घर पर उसके बेटे का ताना लेकर आया। सोहन बड़ा ही शरीफ लड़का था। वह आस पड़ोस के सभी लोगों के दिल को बहुत भाता था। मुरली सोचता आज सोहन के लिए खीर बनाई जाए, और मुरली चूल्हा जलाता है और इतना वह हाथ पैर धोकर आता है चूल्हे के पास। चूल्हे में आग जल रही थी। सोहन अपने पिता को चूल्हा जलाता हुआ देखकर भागा हुआ आता और कहता, पिताजी आज क्या बना रहे हो? तब मुरली कहता है, सोहन बेटा तुम्हें खीर बहुत पसंद है ना, आज तुम्हारे लिए मैं खीर बनाऊँगा। सोहन खुशी के मारे नाचने लगता है। सोहन घर के अंदर एक बर्तन में से दूध एक जग में भरता है और चूल्हे पर आकर पतीले में डालकर खीर बनाने लगता है। बेटे को खीर खिलाने की खुशी में मुरली तो आराम करना ही भूल जाता है। मुरली ने अपने घर में 2 गाय पाली हुई थी। उन गायों को देखभाल के लिए उसने पड़ोस की ही माँ जो मंजू नामक एक औरत को रखा था। वह महीने पर उसे कुछ पैसे भी दे दिया करती थी। उसके ज़रूरत का सामान भी मुरली उसे देता था। मंजू गरीब घर की लड़की थी। उसके पास 2 बच्चे थे। उसका पति शराब पीता था और शराब पीकर घर में पड़ा रहता था। जब मुरली अपने खेतों पर काम के लिए चला जाता तो पीछे से मंजू आकर गाय का सारा काम निपटा देती थी। मुरली उससे घर का काम नहीं करवाता था, क्योंकि मंजू के पास ना तो इतना समय होता था कि वह खाना बनाए, और ना ही मुरली चाहता था कि वह उसके घर का खाना बनाए। घर जाकर मंजू को अपने बच्चों को भी देखना होता था। मुरली कभी भी मंजू से फालतू बात नहीं करता था। गांव के लोग किसी की पत्नी से अकेले में बात नहीं करते थे। अगर किसी आदमी से दूसरा आदमी मिलने भी जाता था तो अगर वह आदमी घर पर नहीं होता, उसकी पत्नी होती थी, तो वह तुरंत घर से वापस आ जाता था। किसी की पत्नी को अकेला पाकर उसके पास बैठना गांव वालों की नज़र में एक गुनाह माना जाता था। छोटा सा सोहन पास के एक सरकारी स्कूल में पढ़ता था। मास्टर जी भी जान पहचान के थे, पड़ोस में ही रहते थे, इसलिए मुरली को ज़्यादा परेशानी नहीं होती थी। मास्टर जी सोहन को छुट्टी होने पर अपने साथ घर ले आते थे। मुरली को मास्टर जी का यह व्यवहार बहुत अच्छा लगता था। वह निश्चिंत रहता था कि स्कूल में सोहन किसी भी तरह की उसे कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जो भी ज़रूरत होती थी मास्टर जी सारी बात मुरली को बता देते थे, और उसका बेटा पढ़ाई में कैसा है यह बात भी मास्टर जी मुरली को बता देते थे। स्कूल सिर्फ 5वीं कक्षा का तक ही था। अगर किसी को पढ़ाई ज़्यादा करनी थी वो उसे दूसरे गांव से जो थोड़ी दूर शहर में जाना पड़ता था। आज मुरली सुबह सुबह अपने खेत में चला गया, वहाँ से मेथी और पालक तोड़ कर ले आया। वह सोचता आज सोहन के लिए पराठे बनाएगा। सोहन को पराठे बहुत पसंद थे। पराठे चाहे किसी भी चीज़ के बने हो सोहन बड़े चाव से खाता था। सोहन की आँख खुलने से पहले मुरली घर वापस आ गया और बैठकर जल्दी से पराठे बनाने की तैयारी करने लगा। फटाफट से वह सोहन को उठाता है और कहता है कि सोहन बेटा मैं तुम्हारे लिए आज पालक मेथी के पराठे बनाए हैं, जल्दी से तैयार हो जा और खा ले। सोहन झट से उठ जाता है और कुल्ला करके अपने पिता मुरली के पास बैठ जाता है। मुरली उसकी तरफ देखकर मुस्कुराता है और कहता है, अच्छा नहाना नहीं है क्या सोहन? आंखें मटकाता हुआ कहता है कि नहीं नहीं पापा जी, पहले मैं पराठे खाऊंगा उसके बाद नहाऊंगा। मुरली कहता है, ऐसा कर ले, तू पहले नहा ले, इतने मैं चाय चढ़ा देता हूँ। इसलिए सोहन आनाकानी करता है। तब मुरली उसे कुछ नहीं कहता और चूल्हे पर चाय चढ़ा देता है। चाय बनाकर जो तैयार कर देता है और गर्मा गर्म पराठे वह सोहन के आगे एक प्लेट में परोस देता है। सोहन पेट भरकर पराठे खाता है और वापस से अपने बिस्तर पर लेटने लगता है, लेकिन मुरली उससे कहता है कि अब लेटना नहीं है, अब कोई वक्त है क्या सोने का? थोड़ा टहल ले, आज रविवार है, इसलिए स्कूल की भी तेरी छुट्टी है। ऐसा करना, आज तेरे साथ खेत में चल, तू मेरे साथ
और वहाँ तेरा दिल लग जाएगा। तू यहाँ शरारती भी नहीं करेगा, मैं घर को ताला लगा दूंगा और जब मंजू आएगी बाहर आंगन से ही अपना काम निपटा के चली जाएगी। इतना कहकर मुरली ने अपना नाश्ता कर लिया और बर्तन धोकर सारा काम समेटता है। फिर सोहन के साथ लेकर और गले में गमछा डालकर वह खेत के लिए चल देता है। उधर से मंजू भी आ रही होती है तो वह कहता है, मंजू ओ मंजू, आज आंगन में झाड़ू लगा देना। उसे थोड़ी जल्दी है इसलिए वह नहीं लगा पाया। मंजू कहती है, ठीक है भैया मैं लगा दूंगी, और वह फटाफट से अपना काम निपटाती है और जानवरों को नहला धुला कर आंगन में भी को भी साफ करके वहाँ से चली जाती है और अपने बच्चों को तैयार करने लगती है। शायद मंजू को कहीं जाना होता है और वह भूल जाती है उसे मुरली से थोड़े पैसे चाहिए थे। मुरली रास्ते में ही होता है तो मंजू कहती है, मुरली भैया कहती हुई उसके पीछे भागती है। मुरली को लगता है कि शायद उसे कोई आवाज़ दे रहा है इसलिए वह उसे पीछे पलट कर देखता है तो मंजू भागती हुई आती है। वह उससे कहती है, भैया मुझे कुछ पैसे चाहिए थे, बहुत ज़रूरी काम है। मुरली कहता है, मैं यहाँ खेत में जा रहा हूँ, मेरे पास यहाँ कोई पैसा नहीं है, जब मैं घर पर था तब तुमने क्यों नहीं कहा। मंजू कहती है, भैया मेरे को याद नहीं रहा। मुरली कहता है, ठीक है मैं किसी के हाथ भिजवाता हूँ, तुम वापस अपने घर चली जाओ। मुरली खेत की तरफ बढ़ता है और खेतों में लहराती फसल, ऊपर से सगुन देने वाली हवा चल रही थी। अब मुरली सोचता है कि कैसे मंजू तक पैसे पहुँचाए। मुरली के खेत में जो सोम चाचा भी खेत में लगा था, सोमू चाचा मुरली से पूछते हैं, मुरली क्या बात है, बड़ा परेशान लग रहा है। तब मुरली सोमू चाचा से कहता है कि चाचा वैसे तो कोई बात नहीं है, पर मंजू है ना घर पर काम करने आती है, उसे पैसों की ज़रूरत थी, मैं यहाँ आ गया हूँ, अब मैं घर वापस कैसे जाऊँ, खेतों में पानी भी देना है और अभी मेरे पास बहुत कम समय है। सोमू चाचा कहते, बस इतनी सी बात, घर ही तो जा रहा हूँ मैं, अगर तुम कहो तो पैसे मैं मंजू को पकड़ा दूंगा, कितने चाहिए। सोमू चाचा मुरली से पूछते हैं, तब मुरली कहता है कि आप खुद ही पूछ लेना उसे कितने चाहिए, फिर मुझे बता देना, मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। सोमू चाचा कहते हैं, अरे कोई बात नहीं मुरली, तुम जरा मेरे खेत का भी ध्यान रखना, मैं चलता हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊँगा, बड़ी भूख लगी है, सुबह से घर से खाली पेट आ गया था इसलिए खाना खाने जा रहा हूँ। सोमू चाचा मंजू के घर जाते हैं और उससे कहते हैं कि मंजू मुरली ने तुम्हें पैसे देने के लिए कहा है, तुम्हें कितने पैसे चाहिए। मंजू कहती है, चाचा बस 500 रुपये चाहिए। सोमू चाचा मंजू को 500 रुपये देते हैं और वापस अपने घर आ जाते हैं, वहाँ से खाना खाते हैं। घर आकर और थोड़ी देर सुस्ताने के बाद उन्हें नींद आ जाती है और करीब 1 घंटे बाद उनकी आँख खुलती हैं। उन्हें याद आता है कि उन्हें खेत में भी जाना है, वह तुरंत खेतों की तरफ साइकिल लेकर चले जाते हैं। सामने मुरली खेतों में पानी दे रहा था और सोहन खेल रहा था। मुरली सोमू चाचा को आता देखता है तो दूर से आवाज़ लगाकर पूछता है, चाचा पैसे दे दिए। तो सोमू चाचा कहते हैं, हाँ 500 रुपये कहा था उसने, मैंने दे दिए। मुरली सोहन से पूछता है कि सोहन बेटा दोपहर के 2 बज गए हैं, तुझे तो खेलते हुए भूख भी लग रही होगी। सोहन कहता है, नहीं पिताजी मैंने सोमू चाचा के बाग से 2 अमरूद तोड़कर खा लिए, मुझे अब बिल्कुल भी भूख नहीं लग रही। सोमू चाचा मुरली के पास आते हैं और कहते हैं, मुरली तू भी खाना खा लेता, कितना काम कर रहा है सुबह से बिना रुके हुए। मुरली कस्सी चलाता हुआ कहता है, चाचा जिंदगी जीनी है तो काम तो करना पड़ेगा, और बात यह है कि मेरे काम आपसे ज़्यादा हैं। और इतना कहकर मुरली हंसने लगता है। सोमू चाचा भी हंसते हुए कहते हैं, मुरली बात तो तैने एकदम सही कही है, सोहन की जिम्मेदारी के साथ साथ अपने घर की जिम्मेदारी भी तुम खूब निभाते हो, बहुत बड़ा जिगर है मुरली तेरा। मुरली जवाब में सिर्फ मुस्कुराता और कहता कुछ नहीं है। थोड़ी देर बाद मुरली कस्सी रोक कर अपना मुँह का पसीना गमछे से साफ करता है और एक पेड़ के नीचे आराम करने लगता है। थोड़ी देर आराम करने के बाद पास से पानी की जो हौद थी उसमें मुँह धोता है। ट्यूबवेल चला रहा था और ठंडा पानी मुरली के दिल को बड़ी राहत देता है। अब मुरली खाना खाने बैठता है तो अपने बेटे सोहन को आवाज़ लगाता है जो पास ही खेल रहा था।
सोहन आकर अपने पिता के पास बैठ जाता है। मुरली सुबह वाले पराठे पोटली में से निकालता है और लोटे में पानी लेता है। सोहन खाने में आनाकानी करता है पर मुरली उसे ज़बरदस्ती एक दो कौर खिला देता है। फिर खुद खा पी कर थोड़ी देर सुस्ताने लग जाता है। पेड़ की छाया में वह उस पेड़ के पत्ते को हवा से हिलता हुआ देखता है और अपनी पत्नी कविता की याद में खो जाता है। अचानक उसे वो मंजर याद आता है जब उसने अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार किया था, कैसे उसे अग्नि दी थी। उसकी मरी हुई पत्नी का चेहरा जब भी उसे याद आता है, उसे कैसे नहलाकर लाली लिपस्टिक लगाकर दुल्हन की तरह सजाया था, तो वो ऐसे लग रही थी मानो सो रही हो। मुरली सब सोचकर अचानक उठ बैठता है और अपने गमछे से अपनी आँखों पर दबा कर रखता है ताकि उसकी आँखों में आए आंसू कोई देख ना ले और ये ना समझे कि हवा के कारण गमछा आँखों पर रखा होगा। जब काफ़ी देर तक भी मुरली गमछा अपनी आँखों से नहीं हटाता तो सोहन उसके पास आ जाता है और अपने छोटे छोटे हाथों से गमछा हटाता तो मुरली एकदम से सोहन का हाथ पकड़ लेता है और उसे गुदगुदी करता है। सोहन जोर जोर से हंसने लगता है। मुरली सोहन के साथ अटखेलियां करता हुआ अपने आंसू छुपा लेता है। इसी बीच उसका हंसता खेलता देखकर सोमू चाचा भी नौकरों को खेत में छोड़कर उसके पास आ जाते हैं। अब दोनों मिलकर सोहन के साथ खेलते हैं, फिर यूं ही इधर उधर की बातें करते हैं। फिर सोमू चाचा मुरली से कहता है, बेटा तेरे जैसा पिता हर किसी बच्चे को मिले और तेरा जैसा पति भी जो विदुर होने के बाद भी किसी दूसरी औरत के बारे में नहीं सोचता। मुरली को अचानक जो अपनी पत्नी कविता की याद आती है। एक बार कविता भी यही कह रही थी, तुम जैसा पति पाकर अब मुझे ज़िंदगी से कोई शिकायत नहीं रही, मैं जब तक जीऊँ तुम्हारे साथ ही जीऊँ। तब मुरली सोमू चाचा से कहता है, चाचा कविता भी यही बात कहती थी पर पता नहीं क्यों समय ने मेरे साथ ऐसा खेल खेला, वह मुझे अकेला करके चली गई। पता नहीं कब मैं उसकी यादों से बाहर निकलूँगा, ऐसा ही लगता है मानो वह अभी भी मेरे आसपास हो। मैं कुछ भी कर लूँ लेकिन कविता की यादों से खुद को कभी बाहर नहीं निकाल पाऊँगा। सोमू चाचा मुरली के दुख को समझते हैं और कहते हैं, मुरली तू दूसरी शादी कर ले बेटा, तेरे लिए यही सही रहेगा, तेरा बेटा भी पल जाएगा। तब मुरली कहता, चाचा सब यही कहते हैं लेकिन मैं कहता हूँ कि मैं अगर शादी कर भी लूँ लेकिन इस बात की क्या गारंटी होगी कि दूसरी औरत मेरे सोहन को अपने बच्चे की तरह पालेगी। कहीं दूसरी औरत मेरे सोहन के साथ सौतेला जैसा बर्ताव करने लगी तो मैं तो खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा। सोहन तो बेचारा मुझे बताएगा भी नहीं, वह तो इतना छोटा है, दूसरी औरत क्या जाने मेरे बच्चे के साथ क्या करे और सामने कुछ बन जाए और मेरे पीठ पीछे कुछ करे और मेरे बेटे के सामने कुछ और पीठ पीछे कोई क्या करता है कौन जान सकता है। सोमू चाचा कहते हैं, मुरली मैं तुम्हारी दुविधा समझ रहा हूँ लेकिन इंसान की कोई गारंटी नहीं होती, तुम इसके बारे में भी तो सोचो, हो सकता है लड़की अच्छी निकल जाए और फिर हम भी तुम्हारे लिए कोई अच्छी लड़की ही ढूँढेंगे, तुम फिक्र मत करो। तब मुरली कहता है, नहीं चाचा तुम्हें ये लड़की ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपने सोहन के साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं करूंगा, मैं अकेला ही उसकी माँ और बाप दोनों बनकर उसे पाल लूंगा। सोमू चाचा यह सुनकर अपने माथे पर हाथ मारते हुए कहते हैं, मुरली बेटा तुम किसी की नहीं सुनने वाले हो। सोमू भी इस बारे में बात करना बंद कर देते हैं। अब शाम होने को आती है। सोहन और मुरली दोनों घर जाने की तैयारी कर रहे थे। मुरली के खेत जहां ख़त्म होते हैं उसके दाईं तरफ कुछ दूरी पर बड़े बड़े सफ़ेदे के पेड़ होते हैं, उन्हीं के बीचों में शमशान होता है। मुरली को वहां आग जलती हुई नज़र आती है। मुरली समझ जाता है ज़रूर कोई मर गया होगा, उसका अंतिम संस्कार शायद कुछ देर पहले किया गया होगा। इससे पहले कि सोहन का ध्यान उस तरफ जाता, मुरली सोहन की आँखों पर हाथ रखकर अपने घर की राह पकड़ लेता है। वैसे तो शमशान मैं मुरली के खेत से काफ़ी दूर होता है लेकिन फिर भी मुरली नहीं चाहता उसका बेटा फिर से वो दर्दनाक मंजर देखे। जैसे ही मुरली अपने घर का गेट खोलता है, वह चूल्हे चौके का सोचकर फिर उसे कविता की याद आ जाती है। किस तरह जब वह खेत से आता था तो उसे गर्मा गर्म खाना खाने को मिलता था और कविता रात को खाने में कुछ मीठा भी बनाती थी। आप तो बस कविता और उसके हाथ के खाने की सिर्फ यादें बची हैं। मुरली मन ही मन सोचता है, काश कविता जिंदा होती तो सब कुछ मुझे अकेले नहीं सहना पड़ता।
मुरली बेचारा अपने बेटे सोहन का हाथ पैर धुलवाता है और खुद भी धोता है और फिर लग जाता है अपनी चूल्हे चौके पर खाना बनाने। आज मुरली खेत से थोड़ी पालक तोड़कर लाया था। घर पर टोकरी में उसने चार आलू उठाए और उनको काटने लग गया। पालक साफ की थी इसलिए उसने बस उन्हें पानी में दो बार धोकर काटना शुरू कर दिया और फटाफट जो कढ़ाई रखी और सब्जी बनाने में लग गया। कुछ ही देर में आलू पालक बनकर तैयार हो गया और फिर मुरली ने फटाफट से आटा गूंदा और रोटियां बनानी शुरू कर दी। बेचारा मुरली पूरी तरह से थककर चूर हो गया था। उसके अंदर उठने की भी हिम्मत नहीं रह गई थी। फिर उसने सोहन के लिए खाना बनाया और अपने पास बुलाकर चूल्हे पर ही उसे खिलाया। आज मुरली काफ़ी उदास था। उसे बार बार कविता की याद आ रही थी। उसका किसी भी बात में मन नहीं लग रहा था। उसका खाना खाने को भी दिल नहीं कर रहा था। सोहन ने मुरली को बोला कि पिताजी आप जल्दी खाना खा लीजिए, मुझे नींद आ रही है, फिर मुझे सुला देना। मुरली बेचारा सोहन के बारे में सोचकर थोड़ा सा खाना खाता है और फिर गर्म दूध करके और एक खुद के लिए और एक गिलास सोहन के लिए निकालता है और सोहन को दूध पीने के लिए देता है। पर सोहन दूध पीने में आनाकानी करता है तो मुरली ज़बरदस्ती उससे कहता है कि पी ले, सोहन दूध नहीं पिएगा तो बीमार पड़ जाएगा और तुझे पता है ना घर में संभालने वाला भी कोई नहीं है। इसलिए सोहन अपने पिताजी की बात मान लेता है और दूध पी लेता है। दोनों अब सो जाते हैं। मुरली सुबह उठ जाता है और अपने नित्य कामों से निपटकर जल्दी चूल्हा जलाने लगता है। आज मंजू भी जल्दी आ जाती है और गाय भैंसों को चारा डालकर गोबर उठाकर फटाफट काम निपटाती है और फिर जानवरों को नहलाकर वापस चली जाती है। करीब आधे घंटे बाद ही मनोहर काका मुरली के घर पर पधारते हैं। मुरली चौंक जाता है, आज मनोहर काका सुबह सुबह उसके घर क्यों आए हैं, पता नहीं क्या बात होगी। मुरली फटाफट से हाथ धोता है और मनोहर काका के लिए चाय लेकर आता है। मनोहर काका कहते हैं इसकी क्या ज़रूरत थी मुरली, तुम मेरे पास बैठो, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। मुरली कहता ठीक है काका, लेकिन पहले चाय तो पी लो, बातें तो होती रहेंगी। मनोहर काका चाय पीते हैं और बीच में बात को शुरू करते हैं। कहते हैं मुरली बेटा हम काफ़ी दिनों से सोच रहे थे तुम्हारे बारे में, तुम कितना काम संभालते हो, तुम्हारे घर में एक औरत की ज़रूरत है जो तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को संभाले। मुरली को यह बातें अच्छी नहीं लग रही थीं क्योंकि वह नहीं चाहता था कोई उसे दोबारा शादी करने के लिए कहे, लेकिन गांव में बड़ों के सामने जुबान नहीं चलाई जाती और ना ही उनकी बात काटी जाती है, इसलिए मुरली चुपचाप सुनता रहा। मनोहर काका ने बात जारी रखते हुए कहा मुरली बेटा आज मेरी नज़र में तुम्हारे लिए एक लड़की है, बहुत ही सुशील लड़की है, तुम्हारी काकी ने ही मुझे तुम्हारे पास भेजा है, मैं तुमसे बात करूं, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, तुम तो दूसरी शादी कर सकते हो, अपने लिए ना सही अपने बेटे सोहन के बारे में सोचो, कम से कम उसे वक्त पर खाना मिलेगा, पीछे उसे जब तुम अकेला छोड़ कर जाते हो खेतों में तब तुम्हें फिक्र भी नहीं रहेगी। मुरली कहता है काका मुझे सोचने के लिए थोड़ा समय दो। मनोहर काका समझ जाते हैं कि जो मुरली बात को टालना चाह रहा है, इसलिए मनोहर काका मुरली से कहते हैं बेटा जल्दबाजी में जवाब मत देना, पहले सोच समझ लेना, क्योंकि रिश्ता बहुत अच्छा है, हो सके तो उस लड़की के बारे में अपने किसी से पूछ लेना, वह तुम्हें सब बता देंगे, फिर अगर तुम्हें लगे कि वह तुम्हारे बच्चे को नहीं संभाल सकती तब तुम इस रिश्ते के लिए मना कर देना, कोई ज़बरदस्ती थोड़ी है, हम भी तुम्हारे भले के लिए सोच रहे हैं, तुम्हारा बुरा क्यों चाहेंगे हम, हमें तो बस तुम्हारे बच्चे की फिक्र है, जो पीछे अकेला रहता है उसे माँ मिल जाएगी और तुम्हें पत्नी, जिंदगी अकेले नहीं कटती मुरली, आराम से ठंडे दिमाग से सोचना। मुरली मनोहर काका से कहता है काका कविता को मरे हुए अभी 6 महीने भी नहीं बीते हैं, मैं अभी शादी के बारे में कैसे सोच सकता हूँ, गाँव वाले क्या कहेंगे, मैं कविता के मरने की ही बात अच्छी बस और शादी कर ली यही सोचेंगे, ये तो सोच रहा था कि कविता मर गई और दूसरी शादी कर ली। मनोहर काका कहते हैं बेटा गांव वाले कुछ नहीं कहेंगे, हम सब ने सोच कर ही यह फैसला किया है, क्योंकि हम देख रहे हैं तो किस तरह से बच्चे को और खेतों को संभाल रहा है, कितनी मुश्किल हो रही है तेरे लिए, तेरी काकी तो तेरे बारे में सोच सोच कर ही परेशान रहती है, बेटा तू पहले लड़की तो पसंद कर ले, शादी कौन सा अभी हम करने लग रहे हैं, लड़की के माता पिता को भी थोड़ा तो समय चाहिए शादी के लिए, आगे तेरी मर्जी,
फिर भी मैं तो यही कहूँगा बेटा, एक बार अपनी काकी से मिल लेना और लड़की के बारे में और जानकारी ले लो। मुरली मनोहर काका से कहता है, ठीक है काका, तुम लोग मेरे बारे में अच्छा ही सोचोगे। मैं सोचूंगा इस बारे में और काकी से मिलूंगा। मनोहर काका मुरली के सिर पर हाथ रखते हैं और चले जाते हैं। मुरली भी अपने खेतों की तरफ चला जाता है। सोहन तैयार होकर स्कूल गया था। सोहन का स्कूल गांव के पास ही है, इसलिए मुरली को सोहन की इतनी चिंता नहीं होती थी। गांव वाले भी सब सोहन को जानते ही हैं, इसलिए कोई ना कोई उसे घर तक छोड़ देता है। मुरली खेतों पर चला जाता है और वहाँ जाकर देखता है उसके खेतों में फसल लहरा रही है। मुरली को बहुत ही अच्छा लगता है जब वह हरे हरे पौधों को देखता है और फल फूलों को देखता है। उसकी अंदर जो मन को बहुत खुशी होती है, लेकिन फिर उसे थोड़ी बेचैनी सी होती है जब वह कविता के बारे में सोचने लगता है कि उसकी ज़िंदगी अब कविता नहीं है। उसकी ज़िंदगी में तो मुरली के खेत में नौकर लगे हुए थे। आज आलू की कटाई के लिए मुरली के कुछ मजदूरों को बुलाया हुआ था, फिर वही काम करने पर लगे हुए थे। मुरली बस देख रहा था वह काम सही से कर रहे हैं या नहीं। मुरली पॉपुलर के पेड़ के नीचे बैठ गया। वहाँ जाकर सोचने लगा कि काकी से मैं क्या बात करूँगा, क्या पूछूँ उस लड़की के बारे में। अभी तो कविता ही मेरे दिलो दिमाग में रह रही है, वही उसी की याद मुझे परेशान कर रही है। किसी भी तरह मैं उसे नहीं भुला पा रहा हूँ। मैं किसी और के बारे में क्या सोचूं? अगर अभी मैं किसी भी लड़की को देखूंगा या किसी भी लड़की के गुणों के बारे में सोचूंगा तो मुझे अच्छे भी नहीं लगेंगे, क्योंकि दिल में तो कविता बसी हुई है। पर मनोहर काका भी सही कह रहे हैं, मुझे सोहन के बारे में सोचना है। मैं अकेला दो दो चीज़ कैसे संभालूं? बहुत सारे काम होते हैं, खेतों में भी काम नहीं करूंगा तो घर का गुजारा कैसे चलेगा, और घर पर काम नहीं करूंगा तो खाना कैसे खाएंगे। सहारे की ज़रूरत तो है, लेकिन मैं किसी औरत का सहारा लेकर कविता की जगह किसी लड़की को कैसे दे सकता हूँ? हे भगवान, मेरी मदद कर ताकि मैं सही फैसला ले सकूँ, और ऐसा फैसला जो मेरे और मेरे बेटे के लिए सही हो, जिसका मुझे बाद में कोई पछतावा ना हो। आंख बंद करके मुरली काफ़ी देर तक भगवान से प्रार्थना करता है रहा और कहा भी कि कोई फैसला लेने से पहले अगर इस सृष्टि को बनाने वाले भगवान से प्रार्थना की जाए, मदद मांगी जाए, तो वो मदद ज़रूर करते हैं। आज मुरली अपने खेत में खाना नहीं लेकर आया था। आज बेचारा भूखा ही दर्द के मारे उसका सिर फटा जा रहा था। मुरली की ज़िंदगी में परेशानियां तो बहुत थी, फिर भी बेचारा उन परेशानियों का बोझ अकेला खुद ढो रहा था। खेत के सारे आलू निकल चुके थे। उसने मजदूरों से उन्हें बुग्गी में ढोने के लिए कहा कि इन्हें मेरे घर पे उतरवा दें। मुरली खेत का काम निपटा कर पैदल घर की तरफ जा रहा था। शाम का समय हो चुका था। काकी राशन का थोड़ा सा सामान लेने जा रही थी। उसने मुरली को आते देखा और रोक लिया। मुरली समझ गया कि काकी किस बारे में बात करेगी। उसने काकी से कहा कि अभी खेत से आया हूँ काकी, मैं समय निकाल कर तुम्हारे पास आऊँगा, लेकिन अभी घर पर सोहन अकेला है, मुझे उसे देखना है। इतना कहकर मुरली आगे बढ़ गया और काकी की बात काट दी। काकी ने मुरली की बात काट कर कहा कि कहाँ चला वहाँ से, पहले मेरी बात तो सुन। मुरली काकी की बात को काट कर आगे बढ़ जाता है। तब काकी समझ जाती है कि वह उसे टाल रहा है, लेकिन काकी को दुनियादारी की समझ होती है। वह जानते हैं दुनिया के डर से मुरली कोई फैसला नहीं ले पा रहा, इसलिए वह किसी को कहकर शाम के समय मुरली को अपने घर बुलाती है। मुरली पहले तो थोड़ा सोचता है कि जाए या ना जाए, क्योंकि वह जानता था काकी उससे किस बारे में बात करेगी। वह सोहन को साथ लेकर काकी के घर चला जाता है। काकी के घर जाती सोहन खेलने लग जाता है। बाहर आंगन में छोटे छोटे कुतिया के बच्चे थे, जिनके साथ वह बड़े ही लगन से खेल रहा था। उधर मुरली काकी के पास बैठ गया और काकी ने उसकी खैरियत पूछी और उसके लिए चाय बनाई और खाने के लिए नमकीन और पकौड़े लेकर आई। मुरली तो काकी की आवोभगत देखकर खुश हो गया। उसने सोहन को बुलाया और काकी ने जो खाने के लिए रखा था वह सोहन को भी दिया। तब काकी ने अपनी बात शुरू की। काकी ने कहा, मुरली बेटा, दुनिया वालों से मत डर, लड़की बहुत अच्छी है, हम कौन सा तेरे साथ जबरदस्ती थोड़ी कर रहे हैं। तो एक बार बेटा लड़की को देख ले, पहले जान ले तो कि लड़की में क्या क्या गुण है। तब मुरली मन मार कर काकी से कहता, काकी तुम ही बता दो लड़की में क्या क्या गुण है। काकी ने मुरली को बताया, लड़की का नाम नीलू है और वह लड़की
जो उसकी बहन की बेटी है यानी काकी उस लड़की की मौसी लगती है। काकी उसे नीलू के बारे में बताती है कि नीलू बहुत ही अच्छी लड़की है, लड़ाई झगड़ा करना तो जैसे उसे आता ही नहीं है। सबसे अच्छी बात यह है कि उसकी अभी शादी भी नहीं हुई है। मुरली हैरान रह जाता है एक कुंवारी लड़की की शादी से उस ब्याहता से और बाल बच्चों वाले आदमी के साथ क्यों करना चाहते हैं। मुरली को लगता है शायद लड़की में कोई कमी होगी। वह काकी से कहता, काकी ऐसी क्या बात है जो तुम उस कुंवारी लड़की को मेरे साथ बांधना चाहती हो, जबकि मैं तो विदुर हूँ, मेरे पास एक बेटा भी है, उसे तो कोई भी कुंवारा लड़का मिल सकता है। तब काकी मुरली से कहती है, बेटा हम सब ने बहुत कोशिश कर ली, सभी रिश्तेदार पूछ कर देख लिया, लेकिन उस लड़की की तो मानो किस्मत खराब है, उसके लिए कोई लड़का ही नहीं मिला, उसमें बस एक ही कमी है। मुरली कहता, वह कमी माँ नहीं बन सकती, काकी कहती है, और इसी वजह से जो भी उसे देखने आता है वह उसे पसंद तो कर लेता है, लेकिन उसकी सच्चाई जानकर वह रिश्ता ठुकरा कर चला जाता है। कई रिश्तेदारों ने तो यहाँ तक कह दिया जब लड़के वाले देखने आए तो वह सच्चाई ना बताएं, लेकिन नीलू बहुत सच्ची लड़की है, वह लड़के को साफ साफ अपने बारे में बता देती है ताकि कोई भी रिश्ता झूठ से शुरू ना करें। बड़ों की इज्जत करना भी जानती है, वह बेचारी गरीब घर की बेटी है इसलिए अपनी ख्वाहिश को मारना भी जानती है। मैं तो बस इसलिए कह रही हूँ कि लड़की की बात तेरे साथ कर रही हूँ, क्योंकि तू खुद भी तो नहीं चाहता ना कोई ऐसी औरत तेरे साथ ब्याह करा कर आए जिसके अपने बच्चे हो जाने पर तेरे सोहन के साथ बुरा बर्ताव करे और तुझे उसकी चिंता होने लगे। मुरली कहता है, काकी यह बात तो तुमने सही कही, बिल्कुल मैं नहीं चाहता कि मैं शादी करके ऐसी औरत को घर ले आऊं जो मेरे बेटे का जीना हराम कर दे। अपने बेटे के लिए मैं सारी उम्र बिना शादी के रह सकता हूं, और काकी मुझे सोचने के लिए तुम थोड़ा सा समय दे दो, मैं सोचकर जवाब दूंगा। काकी कहती है, कोई बात नहीं मुरली, अभी हमें कोई जल्दी नहीं है, तुम सोचकर बता देना। मुरली कहता है, ठीक है काकी मैं सोचकर तुम्हें बता दूंगा और जैसी भी बात होगी। काकी कहती है, बेटा इसमें सोचने वाली तो बात क्या है, तू जैसी लड़की चाहता है वैसी तो तुझे मिल रही है, पर फिर भी तुझे मैं 2 दिन का समय देती हूँ बेटा, ज़्यादा देर मत करना, मुझे तुम्हारा जो भी जवाब है जल्दी बता देना। तब मुरली काकी को आश्वासन देता हुआ कहता है, काकी मैं जल्दी ही सोच कर तुमको जवाब दूंगा। इतना कहकर मुरली अपने बेटे को साथ लेकर अपने घर चला आता है। घर आकर मुरली खाना बनाने में जुट जाता है। रात का खाना बनाकर मुरली सोहन के साथ बैठकर खाना खाता है और चूल्हे पर दूध का पतीला रखकर गर्म करता है और गिलास भरकर सोहन को देता है। सोहन बिना आनाकानी के आज दूध पी लेता है। मुरली झूठे बर्तन मांजता है और अपनी चारपाई पर लेट जाता है। सोहन की चारपाई मुरली की चारपाई के साथ जुड़ी होती है। मुरली की आंखों में नींद गायब थी, वह बस सोचता जा रहा था कि काकी को क्या जवाब देगा।